नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में महिला अधिकारी से बदसलूकी के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। एक ओर जहां महिला अधिकारी का आरोप है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पीड़ित महिला अधिकारी का वीडियो पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर सवाल किए हैं। सपा नेता ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जब एक पीसीएस महिला अधिकारी वीडियो के जरिए एक दूसरे अधिकारी के द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी अस्मिता व जीवन के लिए खतरा बनने की बात कह रही हो, लेकिन उसकी FIR तक लिखने में कई दिन लग गए हों, तो भाजपा सरकार बताए कि नारी शक्ति वंदन के ढोंग का नाटक वो क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि आम जनता के लिए प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार का चेहरा होते हैं। अगर वह अधिकारी खुद ही असुरक्षित और पीड़ित होंगे तो जनता सरकार में रहा सहा विश्वास भी खो देगी। समाजवादी पार्टी समस्त निष्ठावान अधिकारियों के समर्थन में खड़ी होकर शीघ्र दंडात्मक निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है। और बस्ती समेत देश दुनिया खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं नायब तहसीलदार बस्ती सदर हूँ। मेरे सहकर्मी नायब तहसीलदार तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात FIR बड़ी मुश्किलों से FIR दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें और आरोपी घनश्याम शुक्ला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं एवं उचित कार्रवाई करें।